हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको पार्ट 6.5 का जो है पार्ट, ये आपको नेक्स्ट पार्ट जो इससे पहले हम ड्रॉ डिस्कशन किए थे, आज हम पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, ये आपको आ जाएगा पार्ट 3 जो आपको क्वेश्चन नंबर हम 8 से डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट हम 3 से डिस्कशन करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो कि एक्सरसाइज पार्ट आपको है 6.5, आपको ये आ गया 6.5 पार्ट 3। 6.5 में हम क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पिछले पार्ट में हम पार्ट 2 और पार्ट 1 ये दोनों हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें आपको हम बताए थे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का डिस्कशन हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन करेंगे जिसमें है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन करेंगे, ये तो आपको आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको हम ऊपर दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका 8 नंबर का कह रहा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है 8 नंबर का, ये क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है आपको, जो आकृति आपको एक दी हुई है, आकृति जो आपको दी हुई है उसमें देखना है आपको जो है 6.54। इसलिए आकृति है आपको, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। वही बिंदु क्या है, O है, तथा OD लंब है आपको BC। OD क्या है, लंब है BC, और OE से यदि लंब डालते हैं तो वो आपको AC पर है, और OF जो है लंब है आपको AB पर। ये तीनों आपको लंब डाला हुआ, OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर, और OF लंब है आपको AB पर। ये तीनों लंब आपको दिया हुआ है। ये त्रिभुज के अभ्यंतर कोई बिंदु O है, मान लीजिए कोई त्रिभुज बनाते हैं, उसके अभ्यंतर उसके अंदर जो है ये लंब डाला गया है। आपको दर्शाइए कि OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर आपको साबित करना है AF का स्क्वायर जोड़ ABD का स्क्वायर जोड़ CF। ये आपको दर्शाना है CE का स्क्वायर, ये यहाँ तक आपको CE का स्क्वायर तक जो है दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको कह रहा है, इसी में दो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपसे मांग रहा है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर, ये आपको आ जाता है AE का स्क्वायर आप प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का होल स्क्वायर। ये आपको दो क्वेश्चन इसमें प्रूफ करना है। हम क्वेश्चन पर लिए, अब चलते हैं इसका आंसर पर। आंसर आपको देखिए, आपको दिख रहा होगा ये आकृति आपको दिया हुआ, देखिए अभ्यंतर करके इसको हम मिनिमाइज छोटा करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पिक को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आप सबको दिखाई दे। यहाँ देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये आ गया आपका जो आपको ABC दिया हुआ है, इसके अभ्यंतर जो है ये लंब जो डाला गया है, देखिए BC पर लंब OD है, और AC पर लंब देखिए E है, और AB पर लंब जो है क्या F है। ये तीनों जो है अंतर्गत जो लंब डाला गया और O बिंदु है। इसको थोड़ा जो है हम एक अलग तरीका से ड्रॉ करेंगे जिसको समझने में आपको दिक्कत हो, ऐसे यदि हम ड्रॉ कर लेंगे इस फिगर को, इस दोनों फिगर को यदि हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से फिर वो बिंदु नीचे लेंगे और यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे, और यहाँ से आपको इस पर लंब डाल देंगे और इस पर लंब डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही फिगर है, थोड़ा सा जो है ना क्या किए हम आकृति बनाने का तरीका को दूसरा कर दिए हैं, और यही वही फिगर है। ये ABC त्रिभुज यहाँ मान लेंगे A, और यहाँ B, और यहाँ C, और BC से ये आपको ये हो जाएगा D, और ये हो जाएगा आपको E, और ये बिंदु हो जाएगा आपको F। ये तीनों हम ऐसे ड्रॉ करके और इसको हम साबित करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आंसर पर। ये तो आप क्वेश्चन था आकृति नंबर 6.5। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन है, इसको हम देखिए आकृति पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, जो पहले दिया हुआ क्वेश्चन रहता है उसको लिखेंगे। देखिए ABC एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं, इस त्रिभुज में आपको देखिएगा तो AB के मध्य बिंदु पे आपको F है, और BC के मध्य बिंदु में आपको ये D है, और AC के मध्य बिंदु में E, और इस दोनों के मध्य बिंदु F, और बीच में बिंदु क्या है, O है। अब देखिए ABC के अंदर बिंदु O है, ABC के अंदर बिंदु O है, तथा OD लंब BC पर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम पहले लिखे हैं। OE के लंब AC है, और OF के लंब जो है आपको
ए बी पर है, ये आपको जो है दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करने में ये आपको दिया हुआ है जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, ये सेकंड है। इसमें थोड़ी सी रचना हम करेंगे। रचना देखिए, आपको जो ये तीनों भुजा दिया हुआ था, तो ओ से ए को मिलाएंगे, ये डॉट डॉट रेखा जो किया हुआ ये रचना किया हुआ है, और ओ से सी को मिलाएंगे और ओ को बी से मिलाएंगे। ये तीनों हम रचना किए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ए से ओ को तथा बी को ओ से तथा सी को ओ से मिलाया। ये सिर्फ रचना हल्का करना था इसमें। अब देखिए परमाण में चलते हैं। परमाण में आपको जितना भी अभी त्रिभुज ए ओ एफ बना है उसको देखिए, त्रिभुज रचना में कि परमाण में क्या है, ए ओ एफ, ए ओ एफ त्रिभुज को यदि आप देखिएगा, यहाँ देखिए ए थोड़ा ए ओ एफ, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में आप देखिएगा तो यहाँ देखिए जहाँ आप लंब गिर रहा हो तो वहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जहाँ यदि कोई रेखा पर एक सीधी रेखा लंब डाला जाता है तो उतना वहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, वहाँ बनता है आपको 90 डिग्री का। ये आ जाता है समकोण। समकोण बनाने वाली सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी लंब, बाकी दो भुजा जो बच गया है उसमें एक लंब होती है और एक आधार होती है। तो हम यहाँ पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, जो कर्ण है आपको कर्ण की स्क्वायर जो है बाकी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो वही हम क्या किए हैं इसमें, त्रिभुज ए ओ एफ में रचना किए हैं। ए ओ एफ में आपको कोण ए एफ ओ बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ओ ए का स्क्वायर जो सामने का भुजा कर्ण होता है, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर जो ओ एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं इस फिगर से, यहाँ लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। सेम इसी तरह हम लिखेंगे नेक्स्ट जो आपको बी ओ डी है, यहाँ देखिए आपको जो बी ओ डी बनेगा यहाँ से बी, ये ओ और डी ये बन गया है बी से ओ और डी, यहाँ भी क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपको 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। फिर इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में यदि हम लेंगे तो यहाँ 90 बन रहा है, तो ओ भी क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। और ये जो है आपको ओ डी और बी डी ये क्या हो जाएगा, लंब आधार हो जाएगा। इससे हम ओ बी के स्क्वायर बराबर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ओ बी के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं किससे, ये आ जाएगा ओ बी के स्क्वायर बराबर आपको पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हम लिखेंगे ओ बी के स्क्वायर और यहाँ भी फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ देखिए ये दिखने में, यहाँ देखिए अब ओ बी के स्क्वायर बी ओ डी में यदि आप लिखिएगा तो बी ओ डी आपको क्या कहता है, बी ओ डी, हाँ देखिए आप बी ओ डी को देखिएगा तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सेम इसी तरह हम सी ओ ई लिखेंगे, ये पहले बार ये त्रिभुज लिए थे, ये वाला त्रिभुज लिए थे, उसके बाद ये लिए हैं बी ओ डी, देख रहे हैं ये जो जिस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद आपको सी ओ ई लेना है, सी ए बी सी, ये आपको सी बिंदु है, सी ओ और ई ये लेना है हमको। ये जो है दोनों लिए हैं दोनों साइड वाला, और ये जो है आपको एक ऊपर वाला लिए थे। ये तीनों त्रिभुज को यदि आप पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये आपको 90 डिग्री बन रहा है, तो ये बिंदु सी है, तो ओ सी का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि जहाँ 90 बन रहा है 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ ई एस का स्क्वायर जो सी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये हो गया तीनों तीनों प्रमेय को। इस तीनों समीकरण को यदि हम ऐड करेंगे तो इधर राइट साइड का ऐड करके ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर जो ओ सी का स्क्वायर होगा बराबर ये हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर ओ एफ का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर जो बी डी का स्क्वायर जो ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यदि हम इन तीनों को इधर ले आते हैं ओ ए ओ बी ओ सी, ये तो इधर है, उसके बाद देखिए ओ डी को, ये जो ओ डी है इसको पॉजिटिव को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ ई, ओ ई यहाँ पे है उसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ओ एफ ये जो बचा हुआ है इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ए एफ का स्क्वायर और उधर बच गया आपको बी डी का स्क्वायर और ये बच गया सी का स्क्वायर, इन तीनों को इधर रहने देंगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यही आपको एक नंबर में यही प्रूफ करना था, ये हो गया। चलते हैं इसमें आप दो नंबर का जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। क्वेश्चन दो नंबर का देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन दो में आपको सेम उसी तरीका से करना है जैसे हम उसमें किए थे। यहाँ देखिए आपको है बी ओ डी, बी ओ डी त्रिभुज यदि हम लेंगे तो सेम उसी तरह ओ बी के स्क्वायर बराबर ओ डी के स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर लिखते हैं पाइथागोरस पर में से। सेम उसी तरह लिखेंगे सी ओ डी में लिखेंगे तो सी ओ डी जो आपको 90 डिग्री के सामने का कोण होगा वो कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, त्रिभुज जो ऊपर ड्रॉ किया था उसी से लिखे हैं। ये आ गया आपको समीकरण दो। समीकरण एक और दो को यदि हम घटाएंगे, समीकरण एक और दो को यदि हम घटाते हैं तो यहाँ देखिए आपको आ जाएगा ये, यहाँ देखिए ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो माइनस क्या आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर,
बराबर आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। तो वो जो दोनों समीकरण था उसको क्या किया, आपस में घटा दिया। इन दोनों में देखिए आप जो कटेगा उसको हम काट देंगे। यहाँ देखिए ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर तो लिख दिए, उधर देखिए ये आ जाएगा आपको, ये जो बी डी का स्क्वायर है और ये डी सी का स्क्वायर, ये दोनों तो रह जाएगा लेकिन ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में कट जाएगा। ये आएगा समीकरण तीन। सेम इसी तरह यदि आप नेक्स्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा दो त्रिभुज लेकर, तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सॉल्यूशन कीजिएगा तो सी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, ये समीकरण चार बनेगा। इसी तरह ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर हो जाइए, समीकरण पाँच बनेगा। तो अब ये जो हमको बन रहा है फिर से तीन चार पाँच, ये समीकरण को हम क्या करेंगे, तीन चार और पाँच, ये चारों समीकरण को यदि हम ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए क्या प्राप्त होती है। यहाँ देखिए आप कोई तीनों समीकरण को यदि हम ऐड करेंगे तो तीनों समीकरण का ऐड करके क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपको ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ सी, ये तो ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर प्लस में है ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको जो है ना ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, ये भी आपको पॉजिटिव है ये निगेटिव, इधर जो है आपको ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, कम्प्लीटली राइट साइड का जो है ना लेफ्ट साइड का जो है ना क्या हो गया है कट गया है। तो कटने के बाद क्या बचेगा, जीरो, और इधर जो बच गया उसमें ये पूरे तो बच गया है। ये टॉपिक्स में हम क्या कर सकते हैं, डीसी जो निगेटिव में है उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये जो निगेटिव है उसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, ये निगेटिव है उसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, इन तीनों का मान बराबर ये इन तीनों का योग के बराबर हो गया। तो अभी हम इसको हम लिख सकते हैं ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर, यानी इधर इस पॉइंट को इधर ले और इस पॉइंट को इधर, तो यही आपको क्या करना था दो नंबर में प्रूव करना था, समझ रहे बात को। ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर एट का दो नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए आप पहले थोड़ा पीडीएफ धुंधला, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए आपको कह रहा है, एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो है एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मान लीजिए कोई चोर हो या कोई जो अपना खिड़की पर जो एक सीढ़ी चढ़ा रही है तो वहाँ क्या करें, मान लीजिए सीढ़ी की ऊंचाई जितना दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपको खिड़की बना हुआ है और इस खिड़की पर आपको क्या करना है, एक जो है ना इधर से क्या कर लगाना है, एक जो है ना सीढ़ी लगाना है दीवार पर। तो ये जो आपको दीवार पर ये सीढ़ी जो आप लगाए हुए हैं इस सीढ़ी के अनुसार आप उस खिड़की तक जो है लगाए हुए हैं, तो ये जो ऊँचाई आपको दिया हुआ है इस दीवार की ऊँचाई और इसके बीच जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए ये आपको 8 मीटर ऊंचाई पर यहाँ से खिड़की से लेकर ये यहाँ तक जो है ये तो आपको मकान हो गया और मकान से नीचे खिड़की होता है, ये खिड़की जो है खिड़की की ऊंचाई कितना दे दिया 8 मीटर तक दे दिया, ये खिड़की की ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है और ये जो है आपको 8 मीटर है और 10 मीटर लंबी सीढ़ी, ये जो है आपको सीढ़ी की लंबाई कितना दे दिया है 10 मीटर लंबी दे दिया है, इसकी लंबाई दे दिया है 10 मीटर। तो आपको ये खिड़की पर स्थित दीवार से सीढ़ी से निचले सिरे से दूरी क्या होगा, दीवार के आधार, दीवार का जो आधार होगा नीचे होगा, बेस नीचे होता है और सीढ़ी के निचला सिरा, सीढ़ी के निचला सिरा ये जो हो गया इसकी लंबाई आपको पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ यदि हम त्रिभुज ड्रॉ करेंगे तो ए बी और सी आ जाएगा, समकोण त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं 10 का स्क्वायर, हम बराबर क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, सेम इसी तरह फिगर बनेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। तो ये आपको 8 दे दिया है, ये आपको 10 दे दिया है, ये आपको फाइंड आउट करना है, समझ रहे बात को। तो अब हम चलते हैं देखिए इसको जो है आंसर पर, यहाँ देखिए आपको आंसर है ये देखिए, यहाँ हम ए बी सी बना दिए, ये आपको 10 मीटर ये आपको क्या आ जाएगा सीढ़ी आ जाएगा और ये जो है आपको ये निकालना था आपको ये आ गया इधर, ये क्या करना है ए सी आपको क्या करना है निकालना है और ये बी सी जो है आपको 10 मीटर दिया हुआ है, ये आपको 8 मीटर दिया हुआ है। इसमें आप देखिए माना कि ए बी एक क्या है दीवार है जिसमें आपको 8 मीटर की ऊंचाई पर एक सीढ़ी खिड़की है जहाँ से बी सी एक सीढ़ी है, बी सी क्या एक सीढ़ी है जो टिकी हुई है, ये खिड़की का पॉइंट हो गया और यहाँ पर क्या हुआ टिकी हुई है जिसकी लंबाई आपको 10 मीटर दिया, इसकी लंबाई कितना दिया 10 मीटर दिया, तो आपको ए सी का मान मांग रहा है। तो ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे रूट अंडर
रूट अंडर बी सी का स्क्वायर, ये जो बी सी का स्क्वायर है माइनस क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। आपको आधार बराबर ये तीन फार्मूला आप लोग जानते होंगे अपने, तो यूनिट एट में जो है ना सिर्फ बी सी पर चर्चा होगा। आप लोग यूनिट एट जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें सिर्फ यही चर्चा होगा जो कैसे ये तीनों फार्मूला निकलता है। ए सी का स्क्वायर बराबर आप ए बी का स्क्वायर जो और बी सी का स्क्वायर जानते हैं, लेकिन इससे आप दो फार्मूला और निकालिएगा। या यदि आपको ये दोनों दिया हुआ है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको ये इसका स्क्वायर कीजिएगा माइनस कीजिएगा लंब का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको क्या रूट अंडर में आएगा। बी सी का मान 10 दिया हुआ तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, माइनस ए बी का मान कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर 64, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 36, और 36 का रूट क्या आ जाएगा 6। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यही तो 6 सेंटीमीटर इसका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। मेरे बात को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो शायद हमारा फिगर नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाई देगा। यहाँ देखिए जो है ये आ गया आपको, इस पर आपको ध्यान देना है, जो भी वीडियो को देख रहा हो तो इसको जो है लाइक शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपको 10 नंबर क्वेश्चन। आप दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपका रोशनी है सर भाई, इसीलिए आप लोग जुड़े रहिए। यहाँ देखिए होगी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार की तना तार रहे। तार जो है आपको क्या होना चाहिए, तना होना चाहिए, जबकि तार की लंबाई आपको कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है। सेम यदि इस पर आप देखिएगा तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, जिसमें आपको तार जो भी खूंटे से एक ऊर्ध्वाधर खंभा लीजिएगा, और ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जो है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से जो है एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा। मान लीजिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और एक खूंटा यानी कि खूंटे जो होता है उससे जुड़ा हुआ है, इन दोनों को यदि आधार बना के आप ऊपरी सिरा को यहाँ से लेकर इसको तान के बनाइएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। और ये फिगर से आपको ये जो है क्या हो गया, इसका लंबाई आपको 24 दे दिया है, और इधर जो है टोटल ये आपको 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरा, मान लीजिए 18 मीटर का ये हो गया तो ऊपरी सिरा ये हो गया, ऊपरी सिरा से एक तार से सिरा जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा एक खूंटे से बंधा हुआ, दूसरा सिरा क्या है खूंटे से बंधा हुआ है। तो जब खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर, इसको जो है कितनी दूरी पर बोल रहा है गाड़ना है, गाड़ा जाए कि ताना हुआ तार है। ये जो तार आप बांध रहे हैं ये क्या होना चाहिए, बहुत ताना हुआ होना चाहिए। मान लीजिए एक पॉइंट पर हम खूंटा ले लेते हैं, ये बड़ा वाला खूंटा नहीं भी लेंगे तो एक छोटा खूंटा ले लेते हैं, ये हो गया, और ये एक खंभा है आपको, यहाँ से आपको कह रहा है इस खूंटे से ऐसा तार जो बांध ताना हुआ हो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको 24 मीटर दिया हुआ है, इसकी ऊँचाई आपको 18 दिया हुआ है, और आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, ये जो दूरी आपको बताया गया है ये दूरी आपको ये फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह ये आपको कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको आधार फाइंड आउट करना है, समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा आपको इसका, चलते हैं आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपको 10 नंबर का हम आंसर देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है। पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक क्या है ऊर्ध्वाधर खंभा है, ए बी क्या है एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसकी लंबाई आपको 18 मीटर है, जिसकी ऊपरी सिरा से एक तार बिंदु सी से क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई 24 मीटर। यहाँ देखिए आपको ए बी और सी आ गया, यहाँ एक ऊपरी सिरा ए हो गया, इससे हम एक ये खूंटा का जो पॉइंट है सी, इससे हम एक तार को जोड़े हुए हैं जो क्या हुआ है बहुत ताना हुआ है, और इसकी लंबाई कितना है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 18 मीटर है। तो कोई बी सी निकाल सकते हैं आधार बराबर, जस्ट इससे पिछले प्रॉब्लम हम बताए थे, बी सी बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है रूट अंडर 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको 576 माइनस 324 रूट अंडर आ जाएगा 252, ये आ जाएगा बराबर 6√7। तो अतः ऊर्ध्वाधर खूंटे से खंभे की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपको 6√7, ये आ जाएगा आपको कितना 6√7 आ जाएगा, ये आपका आ गया क्वेश्चन का 10 नंबर का हो गया। चलते हैं 11 नंबर का आपको देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन हम यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन नहीं, इस पर
वो 11 नंबर का क्वेश्चन नीचे है थोड़ा। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको है, जो एक हवाई जहाज, ऊपर में आंसर है एक, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक हवाई जहाज, एक जो है एक हवाई जहाज का अड्डा जहाँ होता है वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जो है ना 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। मान लीजिए हम दिशा की चर्चा करें तो ये क्या होती है, ये उत्तर होती है और ये आपको ये क्या होती है नीचे जो है आपको दक्षिण हो जाती है, और ये नीचे इधर क्या हो जाएगा पूर्व, और इधर आ जाता है आपको क्या पश्चिम आ जाता है। ये तीनों पॉइंट जो है आपको आ रहा है, ये आ जाएगा क्या पश्चिम आ जाएगा। इससे आप देखिए अब कह रहा है ये एक हवाई जहाज के अड्डे से उत्तर की ओर, मान लीजिए कोई एक हवाई जहाज का अड्डा है और इससे उत्तर की ओर कितना जा रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको निकल रहा है। सेम इसी तरह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल रहा है, सेम उसी तरह उत्तर की ओर जा रहा है, हवाई जहाज के अड्डे से पश्चिम की ओर 1000, इधर ये पूरा हो गया था आपको तो इधर क्या आ जाएगा पश्चिम आएगा। ये पश्चिम आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये निकलेगा। तो इन दोनों के द्वारा जो है दूरी जो है कितना कह रहा है, दोनों चाल से चलता है और अढ़ाई घंटे डेढ़ घंटा, ये एक पूर्णांक 1/2 ये आपको क्या कर सकते हो, ये डेढ़ घंटा कर सकते हो यानी कि 2 घंटा से कम है। अब बात दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, मान लीजिए ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो डेढ़ घंटा जो चलेगी तो उसके बाद जो है ना दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि आपको ये कर्ण फाइंड आउट करना है। कर्ण यानी कि आपको जो ये कर्ण जो दिया हुआ है इस कर्ण को आपको फाइंड आउट करना है जो कितना होगा। तो चलते हैं हम इसका आंसर पर, थोड़ा आंसर जो है ऊपर ही होगा, यहाँ इसका पीडीएफ बनाने वक्त नीचे है इसका क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपको ये फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा आपको, पहले हम क्या करेंगे ये जो आपको दिशा दिया हो उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ देखिए आपको ये पीडीएफ ये आ जाएगा आपको 11 नंबर, यहाँ देखिए ग्यारह नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपको। पहले हम क्या करेंगे, माना कि A1 जहाज मान लेंगे, यहाँ से A1 जहाज किधर जा रहा है, A1 जहाज जो है आपको इधर उत्तर की ओर मान लेंगे, और A2 जहाज जो है ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व पश्चिम की ओर जा रही है। इन दोनों को जो हम कितना देर चलाएंगे, डेढ़ घंटा, इधर भी चलेगा डेढ़ घंटा ये और इधर भी चलेगा डेढ़ घंटा ये, दोनों जो डेढ़ घंटा चलेगा तो ये कितना दूरी ऊपर उत्तर की ओर ये पश्चिम की ओर, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करना है यानी कि कर्ण आपको निकालना है। तो पहले आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ये आपको चाल भी दे दिया और समय भी दे दिया, तो दूरी आप निकाल सकते हैं, चाल दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। इन दोनों को ये A1 जो है लिख देंगे यहाँ पे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उत्तर दिशा से चल रहा है, और A2 जहाज जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम दिशा की ओर चाल से उड़ता है। तो यहाँ देखिए OA बराबर यहाँ से O से A के दूरी जो है कितना बनेगी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल ये होगी आपको, समय जो है आपको डेढ़ घंटा दिया हो, तो इससे हम क्या कर फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपको दोनों का दूरी मालूम चलेगा, दोनों का दूरी यदि हमको पता चल जाएगा तो दोनों के दूरी से हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के दूरी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं जो कितना दोनों के बीच की दूरी है, और दोनों दूरी को हम क्या करेंगे इसका कर्ण यदि हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये ही आपको क्या आ जाएगा दोनों जहाज के बीच की दूरी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर, ये आपको गुना करने पर 1800 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये डेढ़ घंटा के बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का मान यदि हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा दोनों जहाज के बीच की दूरी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको कर्ण है, ये आ जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपको आधार, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे OA का स्क्वायर जो OB का स्क्वायर, यदि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको 1800 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच हम यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए आ जाएगा ये आपको, ये आता है आपको ये 1500 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 पर डबल सुनाएगा, थोड़ा जो स्क्रीन करने में डिस्टर्बेंस आ जा रही है, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा आपको 225 का ये जो है डबल सुना हो रहेगा, प्लस 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 पर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 549 और ये आ जाएगा दोनों, इन दोनों को कीजिएगा तो 300√ क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 300√ 61 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 11 नंबर का हम डिस्कशन कर लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 नंबर, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है दो खंभे जिनकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, क्या है एक समतल भूमि पर खड़े हैं, एक 6 मीटर का है, एक आपको कितना मीटर का है, ये आपको 11 मीटर का है, ये यदि उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 दे, मान लीजिए एक 12 बड़ा वाला खूंटा और ये ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना दिया, ये 12 मीटर दे दिया है आपको, और ये दोनों एक खूंटे से बांधा हुआ है, इनके दो खंभे हुए, खंभा एक हो गया मान लीजिए ए बी मान लेते हैं और ये आपको सी डी मान लेते हैं,
ये आपको इस बीच की दूरी और ये दोनों सिरों के बीच की दूरी, ये जो है दोनों सिरा यानी ऊपर से ये 12 दे दिया, उनके बीच की दूरी ये आपको फाइंड आउट करना है। ये नीचे वाला हम ये जितना होगा बी सी उतना होगा यहाँ पे ई मान लेंगे। आपको ये दोनों लंबाई ये तो 6 दिया हुआ है, ये टोटल कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 दिया हुआ है। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं जो ए बी का मान जो 11 दिया हुआ है तो इससे टोटल ये 6 हुआ होता है, यहाँ हम 5 निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो हम 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपको क्या निकल जाएगा, ये 12 है, ये आपको 12, ये 5, तो ये क्या इतना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। यहाँ देखिए आप इसका जो है ना ड्रॉ किए हुए हैं, इसका जो है आंसर देखते हैं, ये हो गया आपको, यहाँ देखिए आपको ये आ जाएगा, ये जो बीच की दूरी आपको यहाँ देखिए, ये जो मानेंगे हम सबसे पहले जो फिगर है उसको देख लेते हैं। फिगर देखिए यहाँ पे आपको ए और बी कितना दिया है 6 मीटर दिया हुआ है, और डी और सी ये बड़ा वाला खंभा जो है आपको 11 मीटर टोटल, ये लंबाई देखिए आपको 11 है, और यहाँ पे यदि ये 6 दिया हो तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि इधर से 6 दिया हुआ है टोटल 5 है, तो 6 में से यदि 11 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और ये लंबाई जो है आपको ग्रहण 6 मीटर और 11 और उनके पाद बिंदु नीचे सीधा से नहीं था, इसके पाद बिंदु से जो है ना ये पाद बिंदु का दूरी जो है बीच का 12 मीटर दिया हुआ था, इसका पाद बिंदु यानी कि नीचे जो खंभे का निचला दोनों खूंटे का जो है बीच की दूरी कितना दिया था 12 मीटर दिया हुआ था, ये आपको 12 आ जाएगा, ये 5। तो पाइथागोरस प्रमेय हम क्या निकाल सकते हैं, इसको 13 निकाल सकते हैं, आधार स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर से इससे हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा दूरी बराबर ए सी बराबर 12 मीटर, ए बी बराबर एम सी बराबर ए बी बराबर एम सी कर सकते हैं, एम सी बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा बी एम बराबर 12 मीटर आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी एम बराबर ये 12 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसका बराबर ये जो है आपको ए सी का मान 12 है तो इसलिए बी एम का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ए बी का मान 6 है तो इसीलिए एम सी का भी मान क्या आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। इससे हम फाइंड आउट को यहाँ देखिए हम त्रिभुज जो ड्रॉ करेंगे ये त्रिभुज आपको आ जाएगा त्रिभुज बी डी एम, त्रिभुज बी डी एम में त्रिभुज हम बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये जो हम कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको 13 निकल जाएगा, 13 मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, यहाँ आपको आ जाएगा था दोनों खंभों के बीच की सिरों के बीच की दूरी क्या निकल जाएगा 13 मीटर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको ये है क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है जो एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी जो है क्या है समकोण है, कोण सी क्या है समकोण है, भुजाएं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि सिद्ध कीजिए कि ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जो डी का स्क्वायर होता है, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए। यहाँ देखिए अब इसका फिगर देख लेते हैं, फिगर हम देखकर उसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे। यहाँ देखिए आपको क्या कहा था, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी क्या है 90 डिग्री का कोण है, तथा दूसरी भुजा और सी ए मान लीजिए ये जो है सी और ए और सी बी, ये जो है सी बी है क्रमशः बिंदु जो है डी और ई स्थित है, इस पर जो एक बिंदु ई स्थित है और इस पर स्थित बिंदु डी है, ये दोनों बिंदु एक स्थित है। अब सिद्ध करना है आपको जो ए ई का स्क्वायर, ये जो आपको ए ई बना है ये ई इसका स्क्वायर, और ये जो आप लंब डाले हैं ये जो है बिंदु बी और डी, इन दोनों का स्क्वायर का योग यदि हम करेंगे तो ए बी का स्क्वायर निकलेगा, ए बी का स्क्वायर जो डी ई का स्क्वायर, ये जो है डी और ई, डी से जो ई बनाइएगा इसका स्क्वायर निकलेगा डी बी आएगा डी ई का स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन आपको और इसका प्रॉब्लम में देते हैं, डी ई का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर जो डी ई का स्क्वायर आएगा, ए बी का स्क्वायर जो डी ई का स्क्वायर, डी से ई का स्क्वायर, एक तो रेखा नहीं बन रहा है, यहाँ देखिए डी ई का स्क्वायर बनेगा, यहाँ गया क्वेश्चन कलर, डी ई का स्क्वायर कीजिएगा ये आ जाएगा आपको डी ई का स्क्वायर, डी से ई इन दोनों का स्क्वायर, ए बी का जो है स्क्वायर निकालिएगा ए बी का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा आपको बी ई का आना चाहिए, बी और ई का स्क्वायर आएगा डी ई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर यहाँ निकालिएगा, तो यहाँ देखिए आपको प्रमाण में दिया हुआ है, प्रमाण में चलते हैं, ये आ जाएगा प्रमाण आपको ए ई सी में, ए ई सी यदि हम लेते हैं ये आ जाएगा ए ई का स्क्वायर जोर ए सी का स्क्वायर जोर सी ई का स्क्वायर, ये त्रिभुज हम ए ई सी से पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, सेम वही है कि आपको लंब कर्ण का स्क्वायर और क्या होता है लंब स्क्वायर जोर आधार स्क्वायर, सेम उसी तरह बी सी डी में लिखेंगे तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा डी सी का स्क्वायर जोर बी सी का स्क्वायर, ये समीकरण आपको सेकेंड आ जाएगा। तो समीकरण एक जोर दो से करेंगे, समीकरण एक और दो यही का दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को यदि हम यहाँ देखिए ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपको ए का स्क्वायर जोर बी डी का स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी का स्क्वायर जोर सी का स्क्वायर प्लस डी सी का
स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। इन दोनों में देखिए आपको ए सी और बी सी, ये जो है ए सी और ये बी सी, इन दोनों को एक जगह लिख कर हम स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस सी ई और डी सी, इन दोनों का स्क्वायर लिखेंगे तो सी ई और डी डी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डी ई निकल जाएगा। और ए सी जो बी सी लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको, ए सी प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, ए बी के स्क्वायर जो समीकरण एक और दो से था, समीकरण एक और दो में जो भी निकाले थे उसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों का योग के स्क्वायर बराबर डी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपको, यही तो आपको फाइंड आउट करना था, ये आ गया आपको ए ई का स्क्वायर जो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो डी का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन नंबर हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको है, एक त्रिभुज जो है किसी त्रिभुज थोड़ा ही एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, शीर्ष ए से बी सी पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी बराबर 3 CD है। बी डी बराबर क्या है, 3 CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आकृति आपको 6.55 ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं आकृति, ये आकृति आ गया, थोड़ा मिनिमाइज करके इस आकृति को आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए आपको है A और B, B और C, ये है आपको, ये लंब डाला गया A से D तक, ये आकृति आपको है 6.55, ये आपको आकृति दिया हुआ है। ये देखिए इसमें आपको हम चलते हैं नेक्स्ट इसका जो है आंसर पर। यहाँ देखिए आपको है, इसको प्लस करके बड़ा कर लेते हैं, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, ये आ जाएगा आपको त्रिभुज ए बी सी के स्क्वायर, ए बी पर जो है लंब डालेगा बी सी, और बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 3 CD के बराबर दिया हुआ है। बी डी का मान क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर 3 CD का मान दिया हुआ है। सिद्ध करना है आपको 2AC के स्क्वायर, 2AC के स्क्वायर बराबर, ये आपको प्रूफ करना है 2AC के स्क्वायर प्लस जो आ जाएगा ये आपको BC के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये आपको निकालना है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ देखिए आपको है क्वेश्चन, प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण में ये हम आप चाहे त्रिभुज क्या लेना है, त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC ये आ जाएगा आपको प्रमाण में, त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC आपको कह रहा है, त्रिभुज ABC में आप यहाँ पे BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में हो गया ये आपको ABC में, एक मिनट, त्रिभुज ABC में देखिए BC बराबर जो है आपको ये दिया हुआ है, BD और CD लिख सकते हैं, B से D तक लिख सकते हैं और C से D तक, इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ये आपको BD का मान क्या दिया हुआ था, 3 CD दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ है, ये और CD इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 CD के बराबर होगा। CD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC/4, एवं BD बराबर क्या लिखेंगे, 3 CD और 3 CD का मान BC/4 दिया होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3 BC/4 निकल जाएगा। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में ये हम निकालेंगे, त्रिभुज ABD को देखिएगा तो ये भी आपको क्या आ जाता है, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर जो BD का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट बनेगा। इसी तरह हम त्रिभुज ACD में लेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, AD का स्क्वायर जो CD का स्क्वायर समीकरण, ये आपको सेकंड बन जाएगा। तो दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपको AD और AD क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपको सिर्फ BD माइनस CD का स्क्वायर, यही बचेगा। तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DB का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये आपको बचेगा। अब इन दोनों का मान हम क्या करेंगे, BD को 3 BC/4 लिख सकते हैं और ये CD को BC/4 लिख सकते हैं, इन दोनों को यदि आप ऊपर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 9 BC/BC² / 16 माइनस BC² / 16, इन दोनों को हल कीजिएगा तो इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 8 BC² / 16 बराबर, ये आपको क्या लिख सकते हैं, दोनों को हल कीजिएगा तो ये 8 से काटेंगे हम स्क्वायर दोनों, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 8 × 2 = 16, ये आ जाएगा 8 × 2 = 16 आ जाएगा, ये आपको 1/2 आ गया। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आपको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, 1/2 BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 AB का स्क्वायर माइनस 2 AC का स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, BC का स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये